FM 107 सुन रहे हैं आप और देख भी सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। सीरियसली फिल्मी शो चल रहा है और मेरे साथ आज एक बहुत ही अमेजिंग से गेस्ट हैं जो कि फिल्मी दुनिया के, हिंदी फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर मृदुल महेंद्र तुलसीदास। सो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच अमिता। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। Sir, I'm also very happy because this is totally destiny. I was just thinking, जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मुझे लगा था कि मैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है मुझे मौका मिले उनसे मिलने का। एंड ये बस ऐसे ही सोचा था घर में फिल्म देखते देखते, फिर आई लाइक फॉरगॉट। और मैं जब यहाँ आई तो मुझे बोला कि आपको इंटरव्यू करना है। I was like, wow, this is a good opportunity. Yes, sir. नहीं तो सोचना चाहिए, सोचना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मुझे चाहिए तो हो जाता है। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डू यू फील आपकी फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जीती? ऑफ कोर्स बहुत बहुत खुशी हुई है। मतलब पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अब नेशनल अवार्ड जीत गए फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म। इट्स अ वेरी वेरी बिग अवार्ड। इट्स हमारे लिए तो इट्स लाइक द बिगेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट एग्जिस्ट। सो यू नो गेटिंग नेशनल रिकॉग्निशन एंड सो बहुत खुशी हुई है। और इस बात की और खुशी हुई है कि ये न्यूज के कारण अब और बहुत सारे लोग पिक्चर देख रहे हैं। सो यू नो बिकॉज़ अल्टीमेटली खुशी तो यही होती है कि जितने लोग पिक्चर देखे, यू नो जितने लोगों के घर तक ये पिक्चर पहुंच सके। पहुंच तो गई है, बस क्लिक करना है और अपने यू नो 2 घंटे निकाल के बैठ के और फैमिली के साथ बैठ के देखना। और सर बेस्ट पार्ट ये है तुलसीदास जूनियर फिल्म की कि आपको ना ऐसी फीलिंग आती है कि तो मेरे घर की कहानी है और हर घर में कोई ऐसा एक विलन भाई और बहन होती है। तो जब मैं उसके बड़े भाई का रोल देख रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो मेरा बड़ा भैया था, लाइक कजन, थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स कि मैं ना छोड़ूंगी नहीं इसको। बट अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी स्टार्टिंग। तो आपका फिल्मी दुनिया में कैसे रुझान बढ़ा? लाइक यू आर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इतनी सारी चीजें आप करते हैं। सो हाउ फिल्म्स हैपन टू यू? और देखिए मैं एक्चुअली कलकत्ता से हूँ और वहाँ पे आसपास दूर तक ऑफ कोर्स कलकत्ता में फिल्म बहुत ही स्ट्रांग फिल्म इन्फ्लुएंस रहा है। यू नो द लाइक्स ऑफ सत्यजीत रे एंड मृणाल सेन है, ऋत्विक घटक। इमीडिएट ये होता था कि जैसे हम 16-17 साल के होते थे कि लोग आसपास क्या कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। तो मैं भी वो हर्ड मेंटालिटी होती है, मैं भी वहीं घुस गया, मैं सीए करने लग गया और एक्चुअली काफी अच्छा करने पढ़ाई में। मतलब मैं फाउंडेशन एग्जाम 1 गो में पास हो गया, मेरा कोई रैंक वैंक भी आया था। इंटरमीडिएट में मैंने 1st गो में पास कर लिया। तो मैं पढ़ाई में पूरा घुस चुका था ऐसी। फिर मैं एमबीए के लिए दिल्ली गया तो things were looking very good because you know in the next 1 year at the age of 22 I would have you know made a huge salary packet in some company, in some job. Things were looking superb. लेकिन फिर I don't know, I think turning point तो ये हुआ कि मैं अपने वो MBA में reunion होता है जहाँ पे सब ex students, right, yes और अच्छे सूट वूट में वेरी सब अपना कार्ड्स ऐसे दे रहे हैं, सब कार्ड्स दे रहे हैं और मैं भी ले रहा था। तो मेरे को लगा कि यही फ्यूचर होने वाला है क्या? मतलब हर साल मैं यहाँ पे आऊंगा और ऐसे मैं उनको कार्ड दूंगा और बोलूंगा कि मैं ये फलाना कंपनी में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर, पता नहीं मेरा कुछ स्विच ऑफ हो गया वहाँ पर। मेरे को लगा ये नहीं है मेरा फ्यूचर। फिल्म मेरा एसोसिएशन एक्चुअली गोज बैक टू माई फादर बिकॉज मेरे फादर, माय ग्रैंडफादर, मेरे फैमिली में है फिल्मों का बहुत तो मेरे फादर मेरे को फर्स्ट डे फर्स्ट शोज के लिए बहुत सारा ले जाते थे। ग्रेट। इनफैक्ट इफ यू वोंट बिलीव मैं बहुत छोटा था और कयामत से कयामत तक रिलीज हुई थी। और मैं फादर के साथ पिक्चर देखा था और लास्ट सीन में जब आमिर खान ने खंजर अपने पेट में डाल दिया तो मैं खड़ा हो गया। तो पब्लिक पीछे से वो तो मैं बोला डैड ये तो मार दिया इसने अपने आप को। डैड ने मेरे को कैसे ना कैसे बिठाया, बोला मैं समझा, बहुत अफेक्ट हो गया उससे कि ये गलत हो गया ये। फिर मेरे डैड मेरे को बाहर ले जाके समझाया और उन्होंने कि ये सिनेमा है, ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, ये सब प्रिटेंड है, ये सब नहीं हो रहा है, ये लोग कहानी बता रहे हैं। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अरे ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये तो अमेजिंग है बिकॉज आदमी कुछ भी कर सकता है इसमें। अगर आदमी मर के वापस जिंदा रह सकता है तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। तो एक फिल्म के लिए अट्रैक्शन था हमेशा. एंड देन जब एजुकेशन और वो सब से मेरे को माइंड ऑफ हो गया, मैंने लगा क्या करना क्या है मुझे. मैंने बोला मुझे फिल्में बनानी है, मुझे क्या करना है उसमें पता नहीं, लिखना है, डायरेक्ट करना है, क्या करना है. तो मैं बॉम्बे आ गया और फिल्म इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने. वाह, तो मतलब कयामत से कयामत तक वो फिल्म मैं मान सकती हूँ जिसने आपकी जिंदगी में कयामत ला दी टाइप्स. हाँ जी, कयामत ले आया. एक कयामत से कयामत तक पिक्चर थी और एक लगान पिक्चर थी. तो एमबीए कर रहा था मैं, राइट. मेरा ओरिएंटेशन होने वाला था 2 दिन पहले. मैं लगान देख लिया मैंने थिएटर में, मेरा डिसओरिएंटेशन हो गया. वहीं से मेरा दिमाग घूमने लग गया. मुझे लगा ऐसी फिल्म बन सकती है अगर, तो फिर मुझे भी ऐसे ही कुछ करना है. तो बहुत सही. 2 लैंडमार्क फिल्म्स. तो सर अभी जैसे तुलसीदास जूनियर आपने बताया कि इट्स योर पर्सनल लाइफ स्टोरी एंड, तो लाइक जब आप खुद की स्टोरी एक पिक्चर पे दिखा रहे होते हैं तो लाइक हाउ वाज दैट मोमेंट कि आपने सोचा कि बस अब मुझे ये फिल्म बनानी है मेरी लाइफ स्टोरी पर. यू सेड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, राइट? सी इट इज, आई वुडंट कॉल इट लाइक अ रियल लाइफ स्टोरी. मतलब इट्स नॉट अ बायोपिक. इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट एंड द रिलेशनशिप्स इन द फिल्म जो मेरे और मेरे फादर के बीच में है, मेरे और मेरे भाई के बीच में है, वो सब रिलेशनशिप सेम है. डिफरेंट टाइमलाइन से मैंने सी, बिकॉज देखिए बहुत जरूरी ये होता है कि सिनेमा अडेप्टेशन जो होता है, जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हो तो उसमें आपको एज अ फिल्म मेकर ये सोचना है कि ऑडियंसेस को मजा आए, ऑडियंसेस एंगेज हो, एंटरटेन हो, उनको कोई मैसेज मिल जाए तो वो बोनस है. बट पूरा आइडिया वो होता है. तो फिर देन यू टेक यू चेंज अराउंड थिंग्स, यू डू थिंग्स व्हिच आल्सो हैपेंस इन बायोपिक्स. बायोपिक्स सब साफ होती है, सब मसाला डाला जाता है, वो अलग ही लेवल पे. अपील करना था बच्चों को डेफिनेटली, बड़ों के लिए तो सब फिल्में बनाते हैं जी. बहुत मेरे लास्ट तक पिक्चर निकली नहीं थी, सिर्फ मेरे बच्चों ने देखी थी पिक्चर. उनको तो पसंद आई थी लेकिन वो बायस्ड भी हो सकता है. तो मैं वेट कर रहा था कि बच्चे कैसे रिएक्ट करें. एंड अमिता, यू वोंट बिलीव, मेरे जितने दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे कॉल्स आए मेरे को, मेरे जितने दोस्त हैं उनके बच्चे छोटे छोटे 5 साल के, 6 साल के, वो मेरे बेटर फ्रेंड्स बनते हैं जी. आई एम हैप्पी कि जिनके लिए पिक्चरें ज्यादातर नहीं बनती है उनको कुछ मिला, उनको एक एक्सपीरियंस मिला, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिला थ्रू तुलसीदास जी. फिल्म तो बहुत ही प्यारी है सर, इसमें नो डाउट्स, मतलब हर कोई कनेक्ट कर जाता है उस फिल्म से, कैरेक्टर से. तो मुझे बताएं कि जब आप तुलसीदास जूनियर, जब आपने पूरी स्टोरी रेडी करी है और आपने सोचा कि मुझे अब हायरिंग करनी है, लाइक स्टार्स आने चाहिए इसमें, तो आपने हाउ डिड यू फ्रीज कि जो पर्टिकुलर स्टार्स हैं, लाइक संजय दत्त को आपने फ्रीज किया, फिर जो अदर एक्टर्स हैं, किस तरह से ये प्रोसेस हुआ कि हाँ भाई ये काम करेगा? संजय दत्त, मैं बचपन से संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. मुझे अभी तक याद है, मैं उनकी खलनायक आई थी, मैं थिएटर में देखने गया था और 15 मिनट उनकी एंट्री हुई, 15 मिनट तक कुछ सुनाई नहीं दिया, इतनी सीटी तालियां बजी है, कंटिन्यूअस चिल्ला चिल्ली हो रही थी, राइट. सो मुझे संजय दत्त, आई वांटेड कि संजय दत्त पिक्चर में हो. एंड जब आशुतोष गोवारीकर सर को मैंने फिल्म नरेट किया, उन्होंने इमीडिएटली पूछा ये कैरेक्टर के लिए कौन चाहिए, पिक्चर का स्टार तो ये है, बच्चे तो हैं, हीरो तो बच्चा ही है, लेकिन मैंने बोला मुझे संजय दत्त चाहिए. तो उन्होंने इमीडिएटली संजय दत्त को फोन किया, 2 दिन बाद मीटिंग फिक्स हुई और संजय दत्त ने रेट किया मैंने. एंड संजय दत्त से सो इतने साल की मेहनत, यहाँ दर भटक प्रोड्यूसर्स के पास, और फाइनली 2 दिन में मेरा प्रोड्यूसर लॉक हो गया और मेरा मेन स्टार जो पिक्चर का है वो लॉक हो गया. एंड द मोमेंट दैट दीस टू थिंग्स यू गेट एज अ फिल्म मेकर, देन योर फिल्म इज गोइंग टू गेट मेड. Yes, that's true. Now I want to ask कि जब मृदुल जी स्नूकर नहीं खेलते हैं तो वो क्या करते हैं? Like, do you play other games as well? या आप सिर्फ स्नूकर ही खेलते हैं? You're thinking? I'll answer your first question. जब नहीं, मेरा बहुत क्लियर है आंसर. मैं actually मेरी life revolves around 2 things. One is films and one is family. The second is family. Okay. मैं ये दोनों के बाहर मेरी कोई दुनिया ही नहीं. तो ऑफ कोर्स मैं हर टाइम लिखते ही रहता हूँ और मतलब आई एम राइटिंग ऑल द टाइम. और मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव अ 11-year-old daughter and a 7-year-old son. तो इनके साथ मैं करता रहता हूँ. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, दे हैव गॉट द फैमिली जीन्स, दे आर वेरी स्पोर्टी. तो उनके साथ खेलना, फुटबॉल खेलना, making them explore new sports and तो मेरा यही सब चीजों में पूरा दिन निकल जाता है। फिर ऐसे मतलब बीच में एक आध फिर ऐसे इंटरव्यू या ऐसा कुछ कर लेता हूँ। Wow, sir, that's amazing. Sir, अभी कतर में FIFA World Cup 2022 होने वाला है and like everybody is going crazy about the football. So यहाँ के हमारे जो listeners हैं, plus जो players बाहर से आने वाले हैं, what would you like to say? So all the best to all the teams participating in the Football World Cup in Qatar and everybody, the whole of India is definitely going to be watching you and because India is lesser a cricket fan, more a football fan now, this generation, I can tell you that. So all the best to all the players and please rock it. So thank you so much, sir. You're my brand ambassador. Sure, sir. Thank you so much for being with us and अपना वक्त निकालने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर।